अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टॉपिक है ट्री, उसको हम पढ़ते हैं। इसके अंदर जो टॉपिक हम आज कंसिडर करेंगे वो है स्पैनिंग ट्री। देखिए, स्पैनिंग ट्री बेसिकली किसी ग्राफ से बनाया जाता है। स्पैनिंग ट्री एक ग्राफ से बनाया जाता है, कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी ग्राफ को ट्रावर्स करते समय उसकी सभी वर्टिसेस को इंक्लूड करें विद मिनिमम एजेस, ठीक है? तो वो जो ट्री क्रिएट होगा उससे, दैट इज कॉल्ड स्पैनिंग ट्री। देखिए, यहाँ पे एक चीज हम डिस्कस करना चाहेंगे कि कोई भी ग्राफ जो है वो ट्री हो सकता है, लेकिन हर ग्राफ ट्री नहीं हो सकता। कुछ ग्राफ जो हैं वो ट्री हो सकते हैं, लेकिन हर ग्राफ, बट ईच एंड एवरी ग्राफ ट्री नहीं हो सकता। तो फिर कौन से ग्राफ ऐसे हैं जो ट्री नहीं हो सकते? वो ग्राफ जिनमें साइकल्स हो, जिनमें लूप्स हो, वो ट्री नहीं कहलाते हैं, ठीक है? तो अगर आप किसी ग्राफ से ट्री बना रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके ट्री में कोई साइकिल या लूप नहीं होना चाहिए, ठीक है? सो एवरी ट्री शुड बी अ ग्राफ, बट एवरी ग्राफ इज नॉट अ ट्री। फिर से सुनिएगा, एवरी ट्री इज अ ग्राफ, बट एवरी ग्राफ इज नॉट अ ट्री। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पैनिंग ट्री की, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि कनेक्टेड ग्राफ जी कैन हैव मोर देन वन स्पैनिंग ट्री। कि आप एक कनेक्टेड ग्राफ के एक से ज्यादा स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि आपको क्या करना है, ट्रावर्सिंग करनी है ग्राफ की। ग्राफ की ट्रावर्सिंग करते आपका सिर्फ एक ही एम है कि सभी वर्टिसेस जो हैं वो ट्रावर्स्ड हो जानी चाहिए, ठीक है? तो ये तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ट्रावर्स करने के, ठीक है? एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो आप किसी को भी पिक कर सकते हैं एज अ सोर्स वर्टेक्स, वहाँ से ट्रावर्स करते हुए आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए कहा गया है कि एक कनेक्टेड ग्राफ जी का बहुत सारे स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं। ऑल पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज ऑफ ग्राफ जी हैव द सेम नंबर ऑफ एजेस एंड वर्टिसेस। अब देखिए, ये तय है कि आपने मान लीजिए किसी भी एक ग्राफ से तीन या चार स्पैनिंग ट्री बना दिए, तो आप इस बात को देखिए, ध्यान रखिएगा कि वर्टिसेस तो देखो दोनों में सेम होंगे, क्योंकि वर्टिसेस तो आपको पूरे ही लेने हैं, ठीक है? और एजेस जो आपने चूज करी हैं उस स्पैनिंग ट्री को बनाने के लिए, वो दोनों में सेम होंगी। ये हो सकता है कि आपने एजेस एक स्पैनिंग ट्री में कुछ और यूज करी है, दूसरे स्पैनिंग ट्री में कुछ और यूज करी है, लेकिन नंबर ऑफ एजेस सभी स्पैनिंग ट्री में सेम होंगी। क्यों? क्योंकि आप अगर वर्टिसेस सेम है तो ऑब्वियसली आप उसमें एजेस भी सेम ही रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है, द स्पैनिंग ट्री डज नॉट हैव एनी साइकिल। अगेन, ट्री में ही कोई साइकिल नहीं होती, आप तो इतना ध्यान रखिए। कोई भी ट्री जब ड्रॉ किया जाता है तो उसमें कोई साइकिल होती ही नहीं है, उसमें कोई लूप ही नहीं होता है, तो स्पैनिंग ट्री में भी नहीं होगा, ठीक है? रिमूव वन एज फ्रॉम द स्पैनिंग ट्री विल मेक द ग्राफ डिसकनेक्टेड। आपने अगर कोई स्पैनिंग ट्री क्रिएट किया है और उसकी अगर कोई एक एज को आप हटा दें स्पैनिंग ट्री की, ठीक है, स्पैनिंग ट्री की कोई एक एज को अगर आप हटा देंगे तो वो जो ट्री है वो डिसकनेक्टेड हो जाएगा, वो ग्राफ कनेक्टेड नहीं रहेगा, ठीक है? तो ऐसे स्पैनिंग ट्रीज को आप मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट, एडिंग वन एज टू द स्पैनिंग ट्री विल क्रिएट अ सर्किट और लूप। और यदि आपने उस स्पैनिंग ट्री में कोई भी एक एज इंसर्ट कर दी तो उसमें क्या बन जाएगा, कोई भी साइकिल या लूप बन जाएगी। तो इस तरीके के स्पैनिंग ट्री को आप क्या कहते हैं, मैक्सिमली ए साइक्लिक। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं स्पैनिंग ट्री की, ठीक है? अब आगे चलते हैं। अब आगे कहा गया है कि मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री हैज n माइनस वन एजेस।
वेयर एन इज अ नंबर ऑफ नोड्स, नोड्स यानी वर्टिसेस, ठीक है। ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए स्पैनिंग ट्री में टोटल वर्टिसेस तो पूरी ही इंक्लूड करनी है, जैसा हम बार बार कहते आए हैं कि किसी भी ग्राफ को ट्रावर्स करते समय उसका स्पैनिंग ट्री वो होगा जिसमें ग्राफ की पूरी वर्टिसेस इंक्लूड होंगी, ठीक है। और उसने कहा है कि स्पैनिंग ट्री में ज्यादा से ज्यादा n-1 एजेस होंगी, गर्ल्स ही ज्यादा से ज्यादा है, n-2 एजेस भी हो सकती हैं, हो सकता है कि किसी एक ग्राफ में 6 एजेस हों, और जब आप उसको ट्रावर्स करके स्पैनिंग ट्री बनाएं तो उसको आप 5 एजेस के साथ बना सकें, ये भी हो सकता है कि उसको 2 एजेस के साथ बना सकते, ठीक है। लेकिन ये तो है कि उसको n-1 एजेस, यानी पूरी एजेस तो आप इंक्लूड नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि पूरी एजेस इंक्लूड करते ही क्या हो जाएगा, या तो उसमें साइकिल बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप क्या कहेंगे कि n-1 एजेस उसमें होगी। अ कंप्लीट ग्राफ कैन हैव मैक्सिमम n-2 नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज, किसी भी एक कंप्लीट ग्राफ के अंदर मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा आप n-2 स्पैनिंग ट्रीज बना सकते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कह दिया था कि एक से ज्यादा स्पैनिंग ट्री बन सकती है, तो आप कितने बना सकते हैं, तो वो ध्यान रखिए n-2 नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज आप बना सकते हैं। दस वी कैन कंक्लूड दैट स्पैनिंग ट्रीज आर अ सबसेट ऑफ कनेक्टेड ग्राफ जी एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ्स डू नॉट हैव स्पैनिंग ट्री। कनेक्टेड ग्राफ से ही स्पैनिंग ट्री बनते हैं, ठीक है, और डिसकनेक्टेड ग्राफ से कोई स्पैनिंग ट्री नहीं बनेगा। क्यों? अगर डिसकनेक्टेड ग्राफ है इसका मतलब कोई एज या कोई वर्टेक्स ऐसी है जो कि आप ट्रावर्स करते समय उसको इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, तो जो कि गलत है, ठीक है। तो इसीलिए आप भी कह सकते हैं कि डिसकनेक्टेड ग्राफ में कोई भी स्पैनिंग ट्री नहीं बनेगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ स्पैनिंग ट्री, ठीक है। स्पैनिंग ट्री इज बेसिकली यूज टू फाइंड अ मिनिमम पाथ टू कनेक्ट ऑल नोड्स इन अ ग्राफ, ठीक है। यानी कि स्पैनिंग ट्री तब काम में आता है कि किसी भी एक ग्राफ से आपको किसी एक नोड से बाकी के सभी नोड पर जाने के लिए पाथ मिले और मिनिमम मिले, मिनिमम वेटेड मिले, तो ऐसी जगह पे आप स्पैनिंग ट्री यूज करते हैं। कॉमन एप्लीकेशन जो यूज हो रही हैं वो सिविल नेटवर्क प्लानिंग में हो सकती हैं, कंप्यूटर नेटवर्क राउटिंग प्रोटोकॉल में हो रही हैं, क्लस्टर एनालिसिस में हो रही हैं। और देखिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया है यहाँ पे कि सिटी नेटवर्क हैज अ ह्यूज ग्राफ एंड नाउ प्लान टू डिप्लॉय टेलीफोन लाइन्स इन सच अ वे दैट इन मिनिमम लाइन्स वी कैन कनेक्ट ऑल द सिटी नोड्स, दिस इज वेयर द स्पैनिंग ट्री कम्स इन टू द पिक्चर। यानी कि आप मान लीजिए कि आप जयपुर में हैं और आपके मेन मेन जो जोन्स हैं लाइक विद्याधर नगर, बनी पार्क, सांगानी, लाइक ये आपके नोड्स हैं और आप ये चाहते हैं कि आपको टेलीफोन लाइन बिछानी है यहाँ पे ताकि सभी के सभी नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकें, तो आप किस वे में उस ग्राफ को ट्रावर्स करेंगे ताकि सब एक दूसरे के नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड भी हो जाएं, तो वहां पर आप जो चीज़ फॉलो करेंगे दैट इज कॉल्ड स्पैनिंग ट्री। नेक्स्ट टॉपिक इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मतलब है कि आप स्पैनिंग ट्री एक ऐसा बनाएं जिसका वेट जो हो वो मिनिमम हो, यानी कि इन अ वेटेड ग्राफ अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज अ स्पैनिंग ट्री दैट हैज मिनिमम वेट देन ऑल अदर स्पैनिंग ट्रीज ऑफ द सेम ग्राफ। देखिए हमने कहा था स्पैनिंग ट्रीज बहुत सारे बन सकते हैं, हर किसी ने अपने अपने हिसाब से अपना स्पैनिंग ट्री बना दिया, लेकिन उन सभी स्पैनिंग ट्रीज में एक स्पैनिंग ट्री MST कहलाएगा जिसका ओवरऑल वेट जब आप ऐड करेंगे तो वो बाकी सबसे कम होगा। फिर से सुनिए, अगर किसी एक ग्राफ के मान लीजिए 5 स्पैनिंग ट्रीज बने, उन 5 स्पैनिंग वो पांचों की 5 स्पैनिंग ट्रीज अलग अलग होंगी, लेकिन फिर से ध्यान याद रखिएगा उन 5 ही स्पैनिंग ट्रीज की वर्टिसेस और एजेस सेम होंगी, सेम मतलब नंबर सेम होगा, ठीक है। लेकिन ये हो सकता है कि किसी ने एक एज इंक्लूड करी हो, किसी ने दूसरे ने नहीं करी हो, ठीक है। तो उन सभी 5 स्पैनिंग ट्रीज में से जब आप उन हर एक स्पैनिंग ट्री के टोटल वेट को कैलकुलेट करेंगे तो कोई एक स्पैनिंग ट्री ऐसा निकलेगा जिसकी वेट मिनिमम होगा, और वो मिनिमम वेट वाला स्पैनिंग ट्री आपका MST कहलाता है, ठीक है। यहाँ ग्राफ में देखिए, डायग्राम में देखिए, ये एक मेरा जनरली ग्राफ है। इस ग्राफ को देख के पता चल रहा है कि ये कनेक्टेड भी है, अनडायरेक्टेड है, और साथ में ये क्या है, इसमें साइकिल्स भी हैं, क्लोज पार क्लोज रहिए, ठीक है। अब इससे मुझे स्पैनिंग ट्री बनाना है, स्पैनिंग ट्री बनाना है, तो स्पैनिंग ट्री बनाते समय मैंने क्या किया है,
मिनिमम एजेस वालों को चूज किया है, मिनिमम वेटेड एजेस को चूज किया है। सबसे पहले कौन सा है? ये एसी। एसी को देखिए, इसका वेट कितना है? 1। तो हमने क्या किया, एसी को इंक्लूड कर लिया। नेक्स्ट क्या था? एडी। एडी का वेट कितना है? 2। तो हमने 2 को इंक्लूड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट कौन है? 4। तो हमने क्या देखा कि हम बीसी को इंक्लूड करें, बीसी को इंक्लूड करते हैं तो डिस्कनेक्टेड ग्राफ बन जाएगा, तो हमको डिस्कनेक्टेड तो बनाना ही नहीं है। और फिर हमने क्या किया, ए से बी वाले को चूज किया, ए से बी वाले को चूज करा तो उसका वेट है 4। अब यहाँ पर देखिए, इस स्पैनिंग ट्री में तो सबसे पहले चेक क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस। अब देखिए, इसके अंदर टोटल वर्टिसेस 4 है। इस स्पैनिंग ट्री में टोटल वर्टिसेस कितनी है? 4 है। इसमें एजेस कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 टोटल एजेस इसके अंदर है, लेकिन आपने जो स्पैनिंग ट्री बनाया है उसमें कितनी एजेस है? 3 एजेस है, ठीक है। अब देखिए, ये मिनिमम है। मिनिमम क्यों है? इससे ज्यादा कम वाला वेटेड ग्राफ आप नहीं बना सकते हैं, वेटेड स्पैनिंग ट्री नहीं बना सकते हैं। इसका टोटल वेट कितना है? इसका टोटल वेट है 1 + 2 + 4, दैट इज 7, ठीक है। तो ये 7 इसका टोटल वेट है, और इससे 7 से कम वेटेड वाला स्पैनिंग ट्री आप नहीं बना सकते। क्यों क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इससे कम वाली वेट एज तो आपने आप है ही नहीं कोई और, तो आप इससे ज़्यादा इससे इसके अलावा और कोई MST आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पर एक चीज़ कह सकते हैं कि किसी भी एक ग्राफ का MST तो एक ही बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखो आपके सामने एक स्क्रीन पर है कि ये जो आपने MST क्रिएट कर रहा है, इस MST के अलावा और दूसरा कोई क्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल वेट कितना आ रहा है इसमें? 7। यानी 6, अगर ऐसा कोई स्पैनिंग ट्री बन जाए जिसका वेट 6 हो तो बात करी जाए, लेकिन ऐसा बन ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जो मिनिमम वेटेड वाली एजेस थी वो तो आपने इंक्लूड कर ली है, और ये 3 एजेस तो आपको इंक्लूड होंगी, ठीक है। और ये तीनों ही एजेस का वेट क्या है? कम है। सो ये स्पैनिंग ट्री आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहलाता है। स्पैनिंग ट्री को बनाने के लिए 2 एल्गोरिथम्स यूज किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रुशकल एल्गोरिथम और प्रिम्स एल्गोरिथम, ठीक है। ये दोनों ही एल्गोरिथम ग्रीडी एल्गोरिथम्स होते हैं। ग्रीडी क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे जो एजेस पिक करनी है वो पिक करनी है आपके स्वार्थ के अकॉर्डिंग, यानी आपको मिनिमम वेटेड एजेस यूज करनी है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ग्रीडी एल्गोरिथम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।